रोड के सामने मतलब सामने जो है गिफ्ट शॉप और ये सब आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। और ये उसी दिन का व्लॉग है मंडे का, जिस दिन मुझे पता लगा था कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है और मेरे चैनल पे ऐड जाना शुरू हो गए थे। तो हम लोग ऐसे बाहर निकले थे मैं चाचा के साथ, तो ये अलमुस्फा के सामने वाली जो रोड है, अब आपको पता है कि कराची में बन रहा है बस का एक पूरा ना ग्रीन बस की वो चल रही है, तो वहाँ पर हमने देखा कि इतना पानी जो है वो आ रहा था, पता नहीं कहाँ से बह रहा था। ऐसा लगा था कि वो लोग खुद निकाल रहे हैं इस एरिया से या फिर पता नहीं। और यहाँ पर जो है वो एक गाड़ी भी गड्ढे में फंस गई थी, लेकिन मतलब ट्रैफिक जो है ना रुक रुक के चल रहा था, क्योंकि उस रोड पर भी पानी था, इस रोड पर भी पानी था। और यहाँ पर ही ये वाली जो वाइट वाली गाड़ी गुजरी है ना, वो फंसी हुई थी और हम गए थे, पता नहीं कैसे निकले, क्योंकि गड्ढे में एक टायर चला गया था। तो लेकिन हमारे जाने तक वो निकल रही थी, निकल ही गई थी शुक्र। फिर हम लोग पहुँचे थे यहाँ मेरठ फेमस कबाब खाने, नहीं वो हम चाचा फूड स्टेट करने के लिए निकले थे, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हम रुके, फूड स्टेट वगैरह हुई। मुझे ये एरिया नहीं याद आ रहा यार, मैं रहती कराची में, लेकिन मुझे इतने ना नाम नहीं पता कि कौन सा क्या एरिया, बस मुझे अपने घर का और जो हम पहले रहते थे वहाँ का पता है। तो मोनेटाइज हुआ था तो थोड़ी पार्टी वेटी तो बनती है ना, तो मैंने लिया था ये ऑरेंज जूस, क्योंकि मैं आइसक्रीम, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ आइसक्रीम। 3:28 AM और फिर आकर ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये डायरेक्ट हम रात में आ गए हैं सहरी की। सहरी में मैंने इस पहले रोटी और सालन भी खाया था और फिर बॉयल एग। उसके बाद अजान का टाइम हो गया तो मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई। 346 minutes later. Welcome, welcome back to my channel. मैं रात में बस मैंने एकदम ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मैंने सोचा कि अभी मैं कैमरे में आ तो जाऊँ, बोल तो दूँ पहले तो ये कि थैंक यू सो 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 मच कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और अब आप लोग को एड्स मेरे चैनल पे दिख रहे होंगे। बस ये कहूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के महीने में फाइनली थैंकफुली मेरा चैनल जो है वो सब मोनेटाइज हो गया है। बाकी मैंने पहले पहले पिछले रमज़ान में मैंने तो फर्स्ट रोज़े को कोई शूट कर लिया था, लेकिन इस उसमें मैं थोड़ा ना सुस्त भी हो गई थी और ऐसा भी हो गया था कि यार मैं रमज़ान में अब ऐसा क्या दिखाऊं, और अफ्तार वगैरह तो अच्छा भी नहीं लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक रमज़ान का व्लॉग जाना चाहिए और मुझे थैंक यू भी बोलना था। जैसे कि रात में मुझे पता लगा पार्टी वार्टी तो हुई, और वैसे इंशाल्लाह जब मेरी पेमेंट आएगी आप लोगों को बताऊंगी, इंशाल्लाह पार्टी ज़रूर ज़रूर होगी। मेरे काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी कह रहे थे आप तो पार्टी होनी चाहिए, होगी इंशाल्लाह। तो बस ये है कि जिससे मुझे मेरी पेमेंट आए तो मैं कुछ बोलूँ। तो बाकी अभी मैं अफ्तार होने वाली है, मैं उसका जो है वो थोड़ा सा दिखाऊंगी और शायद मैं इसको ब्लॉग को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ। टिल देन अगर नहीं भी करूँगी तो मैं यहाँ से आपको करूँगी अल्लाह हाफिज़, वरना वॉइस ओवर में तो मैं आपको कर दूँगी। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगैन। और ये था अफ्तार का टाइम, अल्लाह सबके रिस्क में बरकत करे। और ये सब मैंने बताया था कि बस हमारे अफ्तार के टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा तो रिकॉर्ड करना चाहिए ना, तो बस मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी। 24 hours later फिर आ गए हम नेक्स्ट डे, और मैं इस दिन गई थी KDA मार्केट। शॉर्ट्स में शायद आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने थोड़ा बहुत वैरायटी वहाँ की दिखाई, सब कुछ हल्का सा मैंने दिखाया, और अब मैं आप लोग को फुल जो है वो लेके चल रही हूँ KDA मार्केट। मैंने सोचा कि ईद का भी पता लग जाए कि क्या वैरायटी आई हुई है। पहले तो यहाँ पर मैं मैचिंग का दुपट्टा ले रही थी जो मुझे मिल गया था, वो 350 का बोल रहे थे, 300 का हमें दुपट्टा ये मिल गया था। और मैंने अपने सूट के लिए भी सॉलर लेना था, लेकिन वो मुझे यहाँ से नहीं मिला था, तो वो मैं आगे वाली शॉप से लूँगी। अच्छा, हर चीज़ ही है यहाँ पर, मैं पहले भी KDA का व्लॉग डाल चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें लगता है मुझे कि कवर नहीं हो पाई, तो मैंने फिर इससे सोचा कि मैं डाल देती हूँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्रॉकरी का जो है वो सामान है, थोड़े से क्या कहते हैं ना, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है,
हर चीज़ जो है वो इजीली मिल जाती है यहाँ पर, वन टू ऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बेड शीट्स भी मिलेंगी आपको, दस्तखान वगैरह भी मिल जाएंगे, फिर कपड़े भी, तो फिर घर का कुछ सामान, फिर टॉयज़, शूज़ वगैरह सब कुछ, और ब्रांड्स भी यहाँ पर हैं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैंने वो दिखाए भी हैं तो लेकिन अभी कपड़ों की वैरायटी मुझे कुछ सच दिखी नहीं, तो मैंने आपको ये शॉर्ट्स में भी बताया है। तो मेरा ये एक सजेशन है कि अगर आपको स्टॉलर्स लेने हैं ना तो आप केडी में ले लें, आपको जो है वो हर उसके मिल जाएंगे, हर वैरायटी में मिल जाएंगे, शफून भी तो लॉन भी, और रीजनेबल भी मिल जाएंगे, वो डिपेंड करता है कैसा आपको शॉपकीपर मिला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जहाँ से मैंने लिया एक तो 450 का था भाई, मैंने कहा 400 कर लो, नहीं 450 ही लिए उसने, तो वो डिपेंड करता है, कुछ कम भी कर देता है तो, लेकिन खैर मैं कह रही हूँ कि रीज़नेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता। फिर मैं यहाँ एंटर हुई थी एक शॉप में चूड़ियों की, और ये यहीं से जो है वो ज्वेलरी की भी, ये भी ज्वेलरी भी मिलती है, तो ये वाली जो बैंगल्स है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसकी प्राइस पूछी तो सबकी अलग अलग प्राइस थी, किसी की 400 तो किसी की 500 तो किसी की 600, एक स्टेबल प्राइस नहीं थी। मैंने यहाँ से सिर्फ एक चाहे वो चूड़ियाँ ही मम्मा ने ली थी, वो भी कैजुअल होती है ना वो, बाकी तो अच्छा इसकी शॉप का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी मैं पीको वाला दिखाया था ना या दिखाऊंगी, हाँ तो उसी की लाइन में है ये शॉप। हाँ तो मैं ये दिखाई थी कि यहीं पर आपने दुपट्टी पीको के लिए भी दे सकते हैं, ये भी बहुत अंकल जो है वो रीजनेबल उसमें कर देते हैं, एक यहाँ पर बैठते हैं एक आगे भी बैठते हैं, हम ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, और ये जो है वो शॉप नंबर 32 उसके ही बिल्कुल सामने ये हैं, ये बैठते हैं, और इसका नाम भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, यस इसका नाम है रूबी लेडीज़ टेलर्स एंड फैब्रिक्स। ये बिल्कुल रोड के सामने मतलब सामने जो है गिफ्ट शॉप और ये सब आ जाती हैं, और क्रॉकरी, बेड शीट्स वगैरह की भी हैं। वैसे कपड़ों से ज़्यादा ना मुझे ये क्रॉकरी के आइटम्स अच्छे लगते हैं, मैं नए नए दिल जाता है मैं लेती रहूँ, लेकिन नहीं इतने इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, तो मैं बस अच्छी लगी थी मुझे, प्लेट्स वगैरह नई नई मुझे बहुत पसंद है, तभी मैंने अपने उसमें दो तीन चीज़ें ले भी ली थी, जो मैंने आपको मैं बता भी चुकी हूँ कि मैंने जो मैगनेट्स लिए थे वो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन मैंने उसका उस पर काम चला लिया है, और ये प्लेट्स मुझे अच्छी लगी थी रेड में भी थी, और छोटी छोटी चीज़ें ही मैं आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छी हैं, ये ब्रिंजल की उसकी तरह बनी हुई है, ये स्टार्स वाली मैंने ली है, और इसके पीछे ब्रिंजल के पीछे ना कॉर्न कॉर्न की डिश है, और ये मूली की डिश थी, ये वाइट बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ये आप मुझे बताएगा कि आपको ऐसे चीज़ें पसंद हैं या नहीं। और बस ये मैं एक शॉट ले रही थी, ये वाली शॉप का मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर आपको पड़ेगी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग ले सकते हैं क्रॉकरी के आइटम्स, और दस्तखान वगैरह भी यहाँ से हमने लिए हैं। यही था आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, इफ़ डू प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।